फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? तो देखिए, कल मैंने वीडियो डाला था उसका, लेग वार्मर का। तो उसमें मैंने बटरफ्लाई बनाए थे, जिसका वीडियो मैंने डाला नहीं था। तो आज मैं वो वीडियो डालने जा रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने कलरफुल बटरफ्लाई बनाई है। ये देखो इस तरह से। तो ये मैं डोरीज में इस तरह लगाई थी, आपको बताया भी था। तो ये कलरफुल, इसको भी मैं कर लेती हूँ। तो बहुत आसान है बनाने, सिर्फ 5 मिनट में बन के तैयार हो जाती है और बहुत सुंदर लगती है। आप किसी भी ड्रेस में लगा सकते हो, ज़रूरी नहीं है इसी में लगानी है, और किसी में भी लगा सकते हो। बच्चों के फ्रॉक में, स्कर्ट्स में, कोई भी ड्रेस बना रहे हो आप, बहुत अच्छी लगती है। कलरफुल बनाओ और उसमें लगा लो। तो ऐसे सॉक्स में भी सजा सकते हो उसको, कहीं भी आप सजा सकते हो। करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, इसके लिए हमने ये ऊन ले लिया। इसमें बहुत थोड़ी सी ऊन लगती है, आप अपनी मर्जी से कोई भी कलर चुन सकते हो। तो ये देखिए, इसको हम मैजिक रिंग इस तरह से बना लेंगे। देखो इस तरह से, ये इस तरह से होगी। और अब हम इसको लपेटेंगे। ये देखो, यहाँ पे हमने स्लिपिंग स्टिच लेंगे। एक और ले लिया मैं इसको पक्का करने के लिए। अब हमने यहाँ पे 8 चैन लेनी है। 1 2 8 3 4 5 6 7 और ये 8, 8 चैन मतलब 8। अब हमने क्या करना है, देखो इसके साथ हमने इस तरह से ले लिया, पर हमने निकालना नहीं है इसको। अब हर चैन में हमने इस तरह से लेना है, 3 4 5 6 और ये 7 और 8वीं हमने इसमें लेनी है, इसके अंदर। ये ऐसे इस तरह से ये 8 ले लिया हमने। अब इनको दो दो करके निकालना है, देखो इस तरह से। ये दो दो, टू टू करके निकालना है। ये देखो, तो इस तरह से। ये देखो, एक बार ले लिया। अब हम यहाँ से 8 लिए, अब यहाँ से लेंगे इसको, तो अब 7 लेंगे। 1 2 3 4 5 6 और एक इसमें से लेंगे 7। देखो, तो अब इसमें से फिर निकालेंगे हम, एक दो दो ही निकाल लें हमने इसमें से, इस तरह। तो अब हमने दोबारा से इस तरह, अब 7 लिए, अब हम 6 लेंगे। 1 2 3 4 और ये 5 और एक इसके अंदर से 6। तो अब इनको फिर ऐसे निकालेंगे, बस घटाना है हमने इनको। एक मिनट, मेरे निकल गए, मैं दोबारा से बनाती हूँ। 5 6 6, अब इनको फिर वैसे निकालना है, दो दो करके। ये देखो, और इस बार हम 5 लेंगे। ये देखो, 1 2 3 4 और ये एक इसमें से, रिंग में से 5। 1 2 3, ये इस तरह से हो गया। अब हमने इसको क्या करना है, ये स्लिपिंग स्टिच के साथ, ये देखो इस तरह ले जाएंगे इसको, इस तरह से। जब हमारे 5 रह जाएं, तो हमने इस तरह से ले जाना है इनको।
ये हो गया, ये देखो इस तरह से आएगा ये हमारा। और अब हमने चार चेन लेनी है, 1 2 3 4। तो अब इसके सेम वैसे ही बनाना है हमने, 1 और ये 2 और ये 3 और एक इसमें से रिंग में से 4। तो इस तरह से निकालेंगे हम, इसी तरह दो दो करके। ये मेरा फिर निकल गया, मैं दोबारा से बनाती हूँ इस तरह से। दोबारा से बना रही हूँ मैं, 2 3 और एक ये चौथा रिंग में से। तो दो दो करके आराम से निकालना, 3 और ये 4। अब दोबारा से हमने इस तरह निकालना है 4 बारी, 1 2 3 3 और एक मैचिंग रिंग में से 4। ये देखो इस तरह से ये हो गया। अब स्लिपिंग स्टिच के साथ, दो ही लिए हमने, स्लिपिंग स्टिच के साथ इसको वापस ले जाएंगे। दो तीन और ये 4। तो ये बन गया। अब एक सेम वैसा ही बनाएंगे फिर, चार चैन वाला ही, 1 2 3 4 सेम ऐसे ही बनाएंगे डिटो। बहुत आसान है बनाना, बस थोड़ा सा ये देखो, बस इस तरह दो दो में ले जाएंगे इसको। अब फिर लेंगे 1 2 3 और एक रिंग में से 4। फिर स्लिपिंग स्टिच में से इस तरह ऐसे करते हुए ले जाएंगे इसको, इस तरह से। तो ये हो गया हमारा। अब हमने 5 चैन लेनी है, 1 5 2 3 4 5, 5 चैन लेनी है और सेम वैसे बुनना है। तो 1 2 3 4 और एक रिंग में से 5। तो इनको वैसे निकालना है, 1 2 3 4, 4 ले लिए। अब एक चैन हमने एक्स्ट्रा लेनी है, एक चैन एक्स्ट्रा जो लिए हमने, एक यहाँ पे फंदा बढ़ाना है। अब यहाँ 6 लेंगे, 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6 इसमें से, ये देखो। अब फिर वैसे ही इस तरह से, फिर एक चैन फालतू ले लेंगे हम। अब की बार हमने 7 लेने हैं, तो ये बढ़ाने हैं हमने, पहले हमने घटाए थे अब बढ़ाने हैं। 3 4 5 6 और एक मैजिक रिंग से 7। दो दो निकालने हैं आपने। अब हमने एक चैन फिर लेनी है, इस बार 7 लिए, अब हमने 8 लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो अब हम इनको इस तरह निकालेंगे,
तो ये निकल गए। अब हमने आठ हो गए हमारे, अब स्लिपिंग स्टिच के साथ वापस ले जाएंगे इस तरह से। तो ये देखो अब यहाँ से इसको काट देंगे धागे को। अब इसमें से इसको निकाल के इस तरह इसको काट देंगे हम। ये देखो इसको काट दिया, और ये वाला जो धागा था ये रिंग के साथ, रिंग वाला, इसको हम खींच देंगे इस तरह से। अब इन दोनों को खींच के आपस में इसकी गांठ लगा देंगे। तो ये देखो इस तरह से बन गया ये हमारा। अब हमने क्या करना है, अब ये देखो ब्लैक धागा लूँगी, धागा है, और मैंने सिंगल ऊन से ये चैन बनाई है। ये 30 चैन है, 30 चैन है ये। तो अब मैं क्या करूँगी, देखो यहाँ से इस तरह इसको निकालूँगी इस हॉल में से, और इसको इस तरह से निकालूँगी इस साइड को। ये देखो ये निकलगी। तो अब इन दोनों को ला के सेम यहाँ पे गांठ लगा दूँगी, एक और लगा दूँगी पक्की ताकि निकले ना ये। ये देखो अब आप सुई से इसको थोड़ा सा इसको इस तरह से हल्का सा सिलना है इसी धागे से हल्का सा यहाँ पे, ताकि ये इस तरह आ जाए। एक मिनट बताती हूँ आपको। तो इसी धागे से देखो इस तरह ले लेंगे हम इसको, थोड़ा हमें इकट्ठा करना है इसको, ये इस तरह, और ये यहाँ पे इस तरह से। तो यहाँ हम आप दोबारा गांठ लगा लेंगे इसमें, ये कर दिए इसको, ये तो इस तरह से आ जाएगा ये हमारा, और ये हमारा यहाँ आ गया। अब इसको हम इसके स्टिच करेंगे इसके साथ, तो इसको इकट्ठा कर देंगे और ये इस तरह से हमारी बटरफ्लाई आ जाएगी। ये देखो तो इस तरह हम कलरफुल बटरफ्लाई बना के किसी में भी लगा सकते हैं, तो अच्छी लगती है। बच्चों को स्वेटर में भी लगा सकते हो आप, गर्ल्स के फ्रॉक में भी लगा सकते हो, किसी भी ड्रेस में आप लगा सकते हो, तो बहुत सुंदर लगती हैं।